हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आपके सामने सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्म निरपेक्षता का टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका पार्ट नंबर 7 है। ये बहुत लेंदी टॉपिक हो रहा है क्योंकि इसके सब टॉपिक्स भी बहुत बड़े हैं। तो आज मैं क्षेत्रवाद का पूरा टॉपिक कंप्लीट करूँगी यहाँ पर, और फिर एक टॉपिक रह जाएगा इसमें धर्म निरपेक्षता। इसमें एक जो हमारा टॉपिक है, इसमें 4 सब टॉपिक्स हैं और 4 सब टॉपिक्स के भी अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, इसलिए लेंदी हो रहा है। तो जो लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि इसे जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ। आप एक एक घंटे का लेक्चर तो नहीं सुन सकते हैं और मैं दे भी नहीं सकती हूँ एक घंटे का लेक्चर, इसीलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ला के आप लोग को आपके सामने ये पेपर लेकर आ रही हूँ। जो आप ये मेरी वीडियोज़ देखते रहिए, साथ के साथ अपने भी नोट्स इसके साथ बनाते रहिए, जो मेरी वीडियो है उसके साथ और प्लस जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसके भी। तो GS 1 पॉइंट नंबर 9, इसका PDF जब धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसके बाद आपको प्रोवाइड करवा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो और हमेशा की तरह वही बात कि जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डाल रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैं आगे का टॉपिक। एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा फटाफट, मैं इस पे ज़्यादा नहीं रुकूंगी और फटाफट इसे आगे बढ़ाती हूँ, और फिर हम इसका आज का टॉपिक देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। पृथक राज्यों की मांग, क्षेत्रवाद, अंतरराज्य तनाव, क्षेत्रवाद और केंद्र राज्य संघर्ष, और क्षेत्रवाद संघ से पृथकता। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम चुनेंगे क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं। तो यदि क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक राजनीतिक कारकों का अध्ययन किया जाए तो बहुत सारी बातें हमारे सामने उभर कर आती हैं, जिसको हम मान सकते हैं कि यही एक मेन रीज़न होता है क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में। तो सबसे पहले इसमें हम मेन रीज़न की बात करेंगे, विदेशी राष्ट्र द्वारा स्वार्थ की पूर्ति। इसमें क्या होता है कि भारतीय राजनीति जो होती है, वहाँ पर बहुत सारे जो विदेशी राष्ट्र होते हैं वो कभी कभी अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु किसी अन्य देश में क्षेत्रवादी शक्तियों को उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, मतलब उन्हें बढ़ावा देते हैं। क्षेत्रवादी शक्तियों को जो पहले से ही ग्रसित होती हैं अपनी समस्याओं में, उन्हें वो लोग और हवा दे देते हैं कि आप लोग अपने क्षेत्रवाद के लिए लड़ाई लड़ें, अपने देश से हम आप लोगों के साथ हैं, तो ये उत्प्रेरक का काम करती हैं। जैसे कि इसमें मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर में भी क्षेत्रवाद की समस्या ऐसी ही शक्तियों का प्रतिफल है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से बढ़ावा मिलता रहता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ तो है ही, प्लस अपने जो जम्मू कश्मीर जो इंडिया के अंदर, इंडिया का ही हिस्सा है, उसमें भी पाकिस्तान से बढ़ावा मिलता है कि आप अपने हक के लिए, अपने एक नए क्षेत्र के लिए, अपने एक संघ से अलग होने के लिए लड़ाई लड़े अपने लिए, हम लोग आपका साथ देंगे। तो विदेशी जो राष्ट्र होते हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। ऐसे ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ पे मेनली चाइना साथ देता है। जो भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य होते हैं उन्हें क्षेत्रवाद की शक्तियों को, क्षेत्रवाद को उकसाने में, तो इसमें वो लोग अपनी स्वार्थ की पूर्ति देखते हैं कि इस राष्ट्र के अगर जो भी क्षेत्रवाद के बंदे हैं उन्हें आपस में लड़ाया जाए, या संघ से उनके साथ, या फिर केंद्र सरकार के साथ उनके साथ विवाद करवाया जाए, तो उनसे उनके स्वार्थों की पूर्ति हो सकती है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे तुलनात्मक गरीबी, बेरोजगारी, विकास और अशिक्षा की समस्या। यहाँ पर जब किसी देश या राज्य को, एक पर्टिकुलर राज्य किसी दूसरे क्षेत्र की तुलना में गरीब होता है, बेरोजगार होता है, वहाँ विकास कम होता है, अशिक्षा की समस्या होती है, तो वो जटिल रूप धारण कर लेता है। फिर वो लोग अपने आप को दूसरे क्षेत्र से कंपैरिजन करने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारे ही क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में विकास नहीं किया जा रहा है। तो इस समस्या के कारण भी क्षेत्र विशेष में क्षेत्रवाद की भावना को बहुत ज़्यादा बल मिलता है। तो ये मेन में इसको आप ऐसे आप देख सकते हैं कि इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कि गरीबी, बेरोजगारी, विकास और अशिक्षा की समस्या अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब इसी का सब टॉपिक बना के और एक ही साथ ऐसे पॉइंट्स में भी डाल सकते हैं। ये आपके डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है। 125 वर्ड्स का आ रहा है तो आप ऐसे भी इसे
कर सकते हो। अगर वो 200 वर्ड्स का आ रहा है तो गरीबी अलग करना, बेरोजगारी का पॉइंट अलग, विकास का, शिक्षा का, सबका अलग। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजनीतिक दलों का निहित स्वार्थ। सबसे मेन पॉइंट इसमें यही होता है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कुछ जो राजनीतिक दल होते हैं उनके अपने निहित स्वार्थ के चलते या फिर समय समय पर जो वोट बैंक की राजनीति से वो प्रभावित होकर क्षेत्रवादी तत्वों को लोग प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, और ऐसे ही वो कभी कभी कुछ समूहों द्वारा राज्य की नीतियों और उनकी जो संस्कृति है उनकी संरक्षण, उनको पहचान की दृष्टि से उन नीतियों का विरोध भी करते हैं और अपनी क्षेत्रीय पहचान के आधार पर उनका विरोध किया जाता है। मतलब कि ये फोर्थ पॉइंट इसमें होगा कि राज्य की नीतियों का विरोध करते हैं। वो ऐसा बताते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसका ये जो राज्य की नीतियाँ चलाई जा रही हैं उससे हमारे क्षेत्रवाद को क्षेत्रवाद हमारा प्रभावित होगा। इससे वो लोग उन नीतियों का विरोध करते हैं और नीतियों का विरोध करने के कारण ही क्षेत्रवाद को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षेत्रीय आर्थिक विषमता के कारण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो कुछ हद तक देश में जो व्याप्त क्षेत्रीय आर्थिक विषमता ने भी जो निर्धन राज्य हैं, जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उसमें भी ऐसी भावना उत्पन्न की है, उसमें ऐसी आक्रोश भर दिया है राज्यों में, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रवाद के प्रसार को बहुत ही बढ़ावा मिला है, उनके लिए अनुकूल दशाएं तैयार हो गई हैं। इसके अतिरिक्त जो भूमंडलीकरण के कारण उत्पन्न जो प्रतिस्पर्धा है उसमें जो नई पहचान अपनी बनानी है उसके लिए भी संकट यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। इसी वजह से जो पिछड़े और निर्धन राज्य हैं वो अपनी विशिष्टता के आधार पर संगठित नहीं हो पाते हैं। वो सोचते हैं कि उस राज्य में ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमारे राज्य में ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, चाहे वो भौगोलिक कारण हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे वो राजनीतिक कारण हो। आर्थिक विषमता अगर यहाँ पर पाई जाएगी विकास के आधार पर तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ 5 पॉइंट मैंने बताए कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा किन किन कारणों से मिलता है। ये 5 मेजर टॉप रीजंस हैं जिनके कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे क्षेत्रवाद के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कि अगर किसी देश में, किसी राज्य में अगर क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है, वहाँ के लोग अपने क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो क्या क्या परिणाम उसके देश को भुगतने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला परिणाम होगा राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया बाधित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि राष्ट्रीय एकता के जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो होते हैं, आप लोगों को भी पता है, सहिष्णुता होती है, बंधुत्व की भावना होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है। अगर क्षेत्रवाद की भावना पनपने लगती है तो ये जो भावना है बंधुत्व की, सहिष्णुता की, ये बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र राज्य में जो उत्तर भारतीयों के विरुद्ध जो हिंसक आंदोलन चढ़े हैं वो भी क्षेत्रवाद का ही यहाँ परिणाम है। तो इससे राष्ट्रीय एकीकरण, इससे उन लोगों ने ये दिखाया है कि एक पर्टिकुलर राज्य हमारा है, वहाँ पर दूसरे राज्य के लोग आके नौकरी नहीं कर सकते हैं, कमा नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन हमारे देश में नहीं है, तो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोगों के मध्य संघर्ष और तनाव। क्षेत्रवाद के कारण एक और तो विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्र के लोगों के मध्य संघर्ष और तनाव होता है, और संघर्ष और तनाव के कारण ही नेक्स्ट समस्या भी होती है, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। वहीं जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष होगा, ज़्यादा तनाव होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो कानून व्यवस्था की समस्या भी, एक जगह से फोर्स हटा के दूसरी जगह बहुत ज़्यादा तैनात करनी पड़ेगी, तो वह कानून व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो जाएगी, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे मौलिक स्वतंत्रता का हनन। यहाँ पर जो संविधान में नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता दी गई है, अगर क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है, हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, तो उसके कारण नागरिकों को जो उपलब्ध कराई गई है मौलिक स्वतंत्रता, उसका भी हनन होता है, लोग अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। मेन यहाँ है आर्थिक विकास को बाधित करता है। तो आपको पता है कि अगर क्षेत्रवाद होगा तो लोग काम धंधा छोड़ के अपने क्षेत्र के ही अलगाव के रूप में आगे आएंगे और वो हिंसक वातावरण वहाँ पैदा होगा, तो इससे आर्थिक विकास उस राज्य का बाधित हो जाएगा, लोग अपना काम धंधा छोड़ देंगे, लोग अब बस आंदोलन में लग जाएंगे, तो इससे आर्थिक विकास पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट लोगों का पलायन। जब भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है वहाँ
हिंसक गतिविधियां होना लाजमी है, वहाँ बहुत ज़्यादा हिंसक गतिविधियां होती हैं, तो इस चक्कर में लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं, लोग उन गतिविधियों में नहीं रहना चाहते, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो उस क्षेत्र से लोग पलायन कर जाते हैं। और क्षेत्रवाद के कारण एक और रीज़न हो सकता है कि लोग सोचते हैं कि हमारे पर्टिकुलर राज्य या देश में बहुत अच्छा सुधार नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, तो वो एक राज्य से दूसरे राज्य में क्षेत्रवाद के कारण ही पलायन करते हैं। तो इसमें दो यहाँ पर रीज़न आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अवरोध होता है, मतलब कि लोग सारे काम धंधा छोड़ के अगर क्षेत्रवाद में ही लग जाएंगे तो जो भी आधुनिक चीज़ें हमारे देश में या फिर दूसरे देश से हमारे देश में आ रही हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अवरोध उत्पन्न होगा, लोग नई नई चीज़ें नहीं सीख सकेंगे, वो सिर्फ क्षेत्र विशेष के क्षेत्रीय हितों में ही उलझे रह जाएंगे और हिंसक प्रवृत्ति में ध्यान देने के कारण जो भी नई प्रक्रियाएं आ रही हैं देश में उसको नहीं सीख पाएंगे। ये तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें समझाने की भी कोई बात नहीं है। धन संपत्ति मानव संसाधन का अपव्यय, बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाओं के होने से धन संपत्ति मानव संसाधन बहुत ज़्यादा नष्ट होता है, लोग कई फैक्ट्रियाँ गिरा देते हैं, मकान गिरा देते हैं और इनमें जो अवांछनीय तत्व हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है। तो जब हिंसक गतिविधि होती है तो अवांछनीय तत्व लोगों का धन लूटने लगते हैं, ऐसी हत्या भी उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्षेत्रवाद के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा, तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर किसी भी देश में किसी भी राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा क्षेत्रवाद होगा, हिंसक गतिविधियाँ होंगी, तो उसको आंतरिक सुरक्षा वहाँ कैसे रह सकती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग असुरक्षित महसूस करने लगेंगे अपने आप को, कानून व्यवस्था भी तितर बितर हो जाएगी वहाँ पर और लोग अपने आप को बिल्कुल भी सेफ नहीं महसूस करेंगे और इस कारण भी लोगों का पलायन यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि नक्सलवाद के कारण होता है और जो भी उग्रवादी आंदोलन होते हैं ये सब क्षेत्रवाद का ही परिणाम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्षेत्रवाद के कारण। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान हेतु उपाय। अब उपाय यहाँ पर हम दो टाइप से करेंगे, एक होगा सरकार के प्रयास, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे व्यवहारिक उपाय, मीन्स हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं। तो सरकार के प्रयास के अंतर्गत यहाँ पर हम करेंगे, क्वेश्चन दो टाइप से आ सकते हैं कि क्षेत्रवाद की समस्या को निपटने के लिए या समाधान हेतु सरकार ने अब तक क्या क्या उपाय किए हैं वो लिखिए, उसको संक्षेप में बताइए, तो इसमें आप ऊपर वाला पॉइंट लिखेंगे। और अगर आता है कि एज एन ऑफिसर आप क्षेत्रवाद की समस्या को निपटने के लिए, क्षेत्रवाद की समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय करेंगे, तो आप वहाँ पर व्यवहारिक उपाय लिखेंगे। तो चलिए हम दोनों यहाँ पर उपाय देख लेते हैं। सबसे पहला सरकार के क्या क्या प्रयास हैं, तो सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। क्षेत्रवाद जो होता है ये अपने आप में बहुत ही जटिल समस्या होती है, इसके समाधान के लिए जो हमने पहले तो इसके कारण देखे कि बहुत सारे इसके कारण हैं और इसके समाधान के लिए समय समय पर सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं जिससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा ना मिले, लोग इकट्ठा रह के अपने क्षेत्रवाद की भावना को भुलाकर भाई भाई एकता के साथ काम करें अपना। तो यदि क्षेत्रवाद के उत्तरदायी सभी कारकों की अगर हम सूची बनाते हैं तो इसको जो सुधारने का प्रयास है ये बहुत जटिल कार्य हो जाएगा, बट सरकार ने भी टाइम टाइम पे बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण क्षेत्रवाद से काफ़ी हद तक निपटा गया है। बट हम थोड़े बहुत यहाँ प्रयासों की बात करेंगे, तो जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग थी वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही थी और उस समय परिस्थितियों के मांग के कारण 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ये सरकार ने भाषाई जो आधार पर राज्यों की मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए इस आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने अपनी अनुशंसा के आधार पर कहा कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1959 में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत। क्षेत्रवाद की समस्या की जो उत्पत्ति है और विकास के लिए बहुत हद तक जो गरीबी बेरोजगारी ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं, इसके लिए सरकार द्वारा जो नीतियाँ चलाई जाती है उनकी जो क्रियान्वयन होता है उसमें निरंतरता होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इन सब के अभाव में ये क्षेत्रवाद के जो परिणाम होते हैं, क्षेत्रवाद के जो प्रभाव होते हैं उसको बढ़ावा मिलता है।
इन्हीं सब को ध्यान में रखकर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय शासन व्यवस्था में राजकोषीय संघवाद की अवधारणा को स्वीकार किया गया था इसमें। तो यहाँ पर जो केंद्र राज्य के मध्य जो वित्तीय जो बंटवारा होता है, वित्तीय संसाधनों की जो असमान व्यवस्था है, वहाँ भी राज्यों को बहुत ज़्यादा असंतोष की सामना करना पड़ता है। उनके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है क्योंकि जो वित्तीय संसाधन है वो समान रूप से नहीं बटे हुए हैं। अतः इसके लिए यहाँ पर ये पैराग्राफ यहीं ख़त्म होता है, यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होगा। तो इसके लिए सरकार ने भारतीय शासन व्यवस्था में राजकोषीय संघवाद की अवधारणा को स्वीकार किया ताकि केंद्र राज्य संघर्ष है उसे यहाँ पर समाप्त किया जा सके। यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीन राज्यों का गठन किया गया। मतलब कि अगर राज्यों का क्षेत्रीय विस्तार बहुत ज़्यादा अधिक होगा तो इस दिशा में अगर हम विकास की प्रक्रिया करें कहेंगे तो उसे सुचारू संचालन में बहुत ज़्यादा व्यवहारिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए क्योंकि उस समय जो तीन राज्य थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये हमारा जो झारखंड अलग हुआ है बिहार से, और छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से, तो ये तीनों जो राज्य थे वो बनाए गए क्योंकि इन लोगों का क्षेत्रीय विस्तार अधिक था और उस इतने बड़े क्षेत्र विस्तार में विकास की जो परियोजनाएं थी वहां पहुंचाना बहुत अधिक संभव नहीं हो पा रहा था। इस कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतों के सामने होने के कारण 2000 में ये तीन नए राज्य बनाए गए। नेक्स्ट ऐसे ही समय समय पर बहुत ज़्यादा क्षेत्रवाद के कारण ही अभी तेलंगाना राज्य बना है, वो भी क्षेत्रवाद के कारण ही बना है। तो यहाँ पर सरकार ने समय समय पर राज्यों का गठन ऐसा कर दिया है जिसके कारण क्षेत्रवाद की जो भावना है उसको ज़्यादा उग्र ना बनाया जा सके और उससे निपटा जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे विशेष राज्य का दर्जा, जो कि वर्तमान में 11 राज्य है। यहाँ पर जो सभी राज्य हैं वहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता समान ना होने की वजह से तुलनात्मक रूप से जो कमी वाले राज्य हैं, संसाधनों की कमी वाले राज्य हैं, वहाँ वो लोग विकास की दौड़ में बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों को विशेष दर्जा दिया हुआ है, विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। इससे समय समय पर उनको अतिरिक्त सहायता उत्पन्न कराई जाती है ताकि उन्हें ये अंदर से ना लगे कि हम लोगों के अंदर इतने अच्छे मानव संसाधन या फिर आर्थिक संसाधन ना होने की वजह से हम विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। इसके कारण भारत सरकार ने विशेष राज्यों का दर्जा राज्यों को प्रदान किया है। तो वर्तमान में 11 ऐसे राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आज आप लोग मुझे कमेंट में दो कम से कम ऐसे राज्यों के नाम बताएंगे जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ये आप लोग को पता ही होगा, तो 11 तो नहीं, केवल दो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट, विभिन्न आयोग और समितियों का गठन। समय समय पर जो देश है वो राज्य में निर्माण की मांग होती रहती है, अन्य क्षेत्रवादी जो भावनाएं होती हैं वो जो उनसे प्रभावित होने वाले मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए केंद्र सरकार विभिन्न आयोग और समितियों का गठन करती रहती है। जैसे कि हम बात करेंगे वर्तमान में क्षेत्रवाद का जो पर्याय बन चुके हैं तेलंगाना मुद्दे को सुलझाने के लिए 2010 में श्री कृष्ण समिति का गठन किया गया। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी समितियां बनाई गई हैं जिसके कारण क्षेत्रवाद के मुद्दे हैं उनको समझा जा सके और लोगों की जो भी भावनाएं हैं उसको ध्यान में रखकर क्षेत्रवाद की जो समस्या है उसको सुलझाया जा सके। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यावहारिक उपाय कि हम लोग एज एन ऑफिसर या एक आम नागरिक क्या क्या उपाय कर सकता है या फिर और भी हम लोग सरकार को क्या आइडिया दे सकते हैं कि क्षेत्रवाद को सुलझाने में ये उपाय सरकार और भी कर सकती है, इस तरह से क्षेत्रवाद के मामले में हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो क्षेत्रवाद की जो समस्या है वो केवल विकास के कारण है उसी का परिणाम नहीं होते, यहाँ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के राजनीतिक हित भी यहाँ पर शामिल होते हैं। तो वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए इस समस्या के कई कारणों का जो ये जो समस्या है वो कई कारकों का एक सम्मिलित परिणाम है। तो इसके कुछ व्यवहारिक उपाय हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले विकास की दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया जाना। तो यहाँ पर जो
समतापूर्वक राष्ट्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो विकास की दृष्टि से उपेक्षित राज्य हैं, जिनका विकास अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम हुआ है, तो उनको बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे जो देश हैं, ऐसे जो राज्य हैं, वो स्वयं को राष्ट्र की मुख्य धारा का अंग समझ सकें और अपने आप को राज्य की मुख्य धारा, देश की मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ सके। तो उनको बहुत अधिक, जैसे कि सरकार ने विशेष राज्यों का दर्जा दिया है कुछ राज्यों, तो इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है सरकार को। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्र सरकार को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। तो जब तक वहां पर अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए, लेकिन अगर राष्ट्रहित का मामला हो, अगर जब तक राष्ट्रहित का मामला सामने ना आ रहा हो तब तक नहीं देना चाहिए हस्तक्षेप, लेकिन अगर कहीं राष्ट्रहित का मामला हो तो वहाँ हस्तक्षेप करना वांछनीय है, हस्तक्षेप वहाँ पर किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट बात करेंगे क्षेत्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन देने वाले राजनेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो अपने निहित स्वार्थ के लिए क्षेत्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन देते हैं, जिससे वो अपने वोट बैंक की राजनीति को चला सकें, क्योंकि अगर वो ऐसे अवांछनीय तत्वों को बढ़ावा देंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र में वोट मिलेंगे। तो इसलिए उनको ऐसे जो नेता होते हैं जो क्षेत्रवाद की भावना को प्रोत्साहन देते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी कानून बनाए जाने की यहाँ पर आवश्यकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे समस्याग्रस्त क्षेत्र के लोगों से संबंधित मुद्दे को शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से सुलझाया जाना। जो भी पिछड़े और समस्याग्रस्त क्षेत्र के लोग हैं, उनसे जो भी उनके मुद्दे हैं, उनसे आराम से बिठा के उनसे सरकार को बात करनी चाहिए, उनको क्या समस्या है, उसका क्या समाधान हो सकता है, तो वो समाधान संवैधानिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। एक हवाई बात नहीं वहाँ करनी चाहिए, जो एक ज़मीनी स्तर पर सुविधाएं जनता को प्रदान की जा सकती है वो सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। छात्री जो राजनेता है उनको क्षेत्रवादी मांगों से जो संबंधित मुद्दे हैं वहाँ पर उनको उन्हें रोका जाना चाहिए, जैसे कि कुछ नेता होते हैं वो अपने जो उनके चुनावी घोषणा पत्र होते हैं उसमें क्षेत्रवादी मुद्दों को बहुत ज़्यादा तूल देते हैं, तो ऐसे में जो मुद्दे हैं राजनेताओं के उनको बढ़ावा देने से बहुत ज़्यादा तरीके से रोकना चाहिए और संवैधानिक तरीके से वहाँ पर रोकना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे विभिन्न राज्यों में संबंधित स्वतंत्र विभागों की स्थापना की जानी चाहिए। केंद्र सरकार के स्तर पर विभिन्न राज्यों से संबंधित स्वतंत्र विभागों की स्थापना करनी चाहिए, ताकि जो उक्त विभाग है वो जो संबंधित राज्य के विकास के मुद्दे हैं वहाँ पर उसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर सके और उसके संबंध में जो भी सुझाव हो सकते हैं वो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को प्रदान कर सके। इसका यहाँ पर मतलब होगा कि ऐसे एक विभाग की स्थापना करनी चाहिए जो भी वहाँ विकास के मुद्दे हो गए, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक, जो भी विकास के वहाँ मुद्दे हैं, उस लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुनकर और उसको केंद्र सरकार तक पहुँचाए और अपने जो वांछनीय सुझाव हो सकते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं वो सरकार को, राज्य सरकार को भी प्रदान करे और केंद्र सरकार को भी साथ के साथ प्रदान करवाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिछड़े और उपेक्षित राज्यों के राजनेताओं को केंद्र से सहभागिता होनी चाहिए। जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उपेक्षित राज्य हैं, उनके राजनेताओं को केंद्र में सहभागिता के लिए आगे आना चाहिए, ताकि वो अपने राज्यों में क्षेत्रवादी तत्वों को बढ़ावा ना देकर नए राज्यों की मांग करने के बजाय अपने उसी राज्य में संबंधित मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठा सकें और केंद्र सरकार से उन मुद्दों पर बात करके अपने लिए जो भी उचित सुविधाएं हैं वो अपने लिए ले सकें, उत्पन्न कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए प्रभावी नियम। तो क्षेत्रवाद, जो निर्वाचन आयोग है वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय दलों के विरुद्ध प्रभावी नियम उसको बनाने चाहिए, तथा आयोग को यह भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि जो भी दल क्षेत्रवादी तत्वों को बढ़ावा देगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से दे चाहे वो परोक्ष रूप से दे, उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। तो उसको ऐसा मैनिफेस्टो अपना बनाना चाहिए ताकि कोई भी दल क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने से पहले 10 बार सोचे कि इसके तहत मुझे प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य स्तर पर राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित नीतियों का गठन।
तो जहां तक भी संभव हो सके राज्यों के स्तर पर राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित नीतियों को लागू करना चाहिए तथा राज्यों हेतु बनाई गई नीतियों में समरूपता के दृष्टिकोण का अनुसरण करना चाहिए। मीन्स कि सभी जो राज्य हैं एक समान है केंद्र के दृष्टि में, तो उनको कोई भी ऐसी अवांछनीय नीतियां नहीं लागू करनी चाहिए कि एक राज्य को तो बहुत ज़्यादा दर्जा दिया गया है और दूसरे राज्य को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी नीतियों को नहीं उकसाना चाहिए और ऐसे ही राज्य को भी राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होना चाहिए, एकजुट में रह के संघवाद की जो नीति है हमारे देश में उसको बढ़ावा देने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, गैर सरकारी संगठन द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करना चाहिए। तो जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उनको देशवासियों के मध्य राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने हेतु आगे आना चाहिए और लोगों में विविधता में एकता के साथ रहने की भावना का संचार प्रचार करना चाहिए इन लोगों को। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर सरकार और विकासी गतिविधियों के विरुद्ध जनमत को संगठित करना चाहिए तथा इन कार्यों के लिए विदेशी धन का जो प्रयोग करने वाले संगठन हैं उनको नियंत्रण करने हेतु प्रभावी उपाय यहाँ पर अपनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीडिया स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका। तो जो मीडिया होती है, स्वयंसेवी संगठन होते हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धिजीवियों को क्षेत्रवादी जो तत्व होते हैं उनको हतोत्साहित करके राष्ट्रवादी विचारों के प्रोत्साहन संबंधी कार्यक्रम चलाने चाहिए, आंदोलन चलाने चाहिए, अभियान ऐसे चलाने चाहिए ताकि लोगों के मन से ये क्षेत्रवाद की भावना जो उनके मन में घर कर चुकी है वो हटे और राष्ट्रवाद की भावना का वहाँ पर बीजारोपण हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं उचित एवं प्रभावी कानून व्यवस्था। तो जो भी कानून व्यवस्था बनाई जानी चाहिए वो इस संबंध में बनानी चाहिए कि अगर कोई क्षेत्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करता है और देश की राष्ट्रहित में अड़ंगा डालता है तो उसे कठोर से कठोर कानून के तहत सजा दी जाएगी और उसे किसी भी हालत में यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार को अपेक्षाकृत पिछड़े और उपेक्षित जो क्षेत्र होते हैं या राज्य होते हैं वहाँ आधुनिकीकरण करना चाहिए, कृषि में सुधार करना चाहिए, औद्योगिकरण करना चाहिए, संस्थागत वित्तीय सुलभता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, मतलब लोगों को वित्तीय व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए ताकि वो अपने जो उद्योग हैं लघु उद्योग या कुटीर उद्योग किसी में भी अच्छे से अच्छे तरह से अब उसको बढ़ावा दे सके और विकास की प्रक्रिया में सहयोग कर सके, ये काम करना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे उपायों का सहारा सरकार को लेना चाहिए ताकि लोगों में क्षेत्रवाद की भावना को पनपने ही ना दिया जा सके और उनका क्षेत्र उन्हें और सभी क्षेत्रों की दृष्टि में अग्रणी लगना चाहिए और उनको ऐसा कभी नहीं फील होना चाहिए कि हमें और देश और राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट किया जा रहा है या हमसे भेदभाव किया जा रहा है। तो आज हमने बात की यहाँ पर, हमने अब देखे कि क्षेत्रवाद के क्या उत्तरदायी कारण होते हैं, क्षेत्रवाद के क्या परिणाम होते हैं, क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान हेतु हमने दो तरह से उपाय देखे, एक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, एक जमीनी स्तर पर क्या क्या उन्होंने स्टेप लिए हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि व्यवहारिक स्तर पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा टॉपिक ये ख़त्म कर लिया है क्षेत्रवाद का। अब नए राज्यों के गठन की मांग यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे गोरखालैंड, बोडोलैंड, दिल्ली, हरित प्रदेश, मिथिला और पूर्वांचल, तमिलनाडु, विदर्भ, ये सारे ऐसे राज्य हैं जो अपने आप को एक पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं, क्षेत्रवाद की भावना से ग्रसित हैं ये सब राज्य। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, थोड़ी लेंथी हो गई है इसलिए मैं थोड़ी छोटी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।